सब्सक्राइब कीजिए गणेश टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो व्हाट्सएप का बीटा वर्जन होता है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ बीटा वर्जन के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, क्या क्या अपडेट्स आए हैं या आपके लिए क्या क्या यूजफुल हो सकता है, सब कुछ हम जानने वाले इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, ये व्हाट्सएप का बीटा वर्जन होता क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। व्हाट्सएप का बीटा वर्जन यानी कि जो भी अपडेट आने वाले हैं, यानी कि बीटा वर्जन यानी कि जो टेस्टिंग पे पहले अपडेट लाते, यानी कि जो बीटा वर्जन यानी कि जो भी अपकमिंग अपडेट आने वाले हैं 2-3 महीने में बाद में, वो आप अभी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको बीटा वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो ये क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं जो पहली एक साइट डाल दी थी, तो मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको डालना है व्हाट्सअप बीटा, सिर्फ इतना डालना है दोस्तों, दूसरा कुछ भी नहीं डालना, व्हाट्सअप बीटा। यहाँ पे मैंने पहले ही डाल दिया था। तो आपको व्हाट्सअप बीटा डालना है क्रोम में जाके, गूगल में जाके। तो यहाँ पे पहली जो साइट है वो गूगल की ऑफिशियल है, तो उसमें आपको लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं इससे भी एक अच्छा तरीका बता देता हूँ, और ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। जो भी YouTube पे पहले भी वीडियोस थे उनके अभी वर्क नहीं करते हैं, कोई कोई वर्क करते भी होंगे वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये नए फीचर का नया वीडियो है। इसलिए आप मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखिए। तो ये कुछ साइट का इंटरफेस इस तरीके का है गाइस। यहाँ पे एड्स तो आपको बहुत ही देखने को मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया है कि व्हाट्सअप बीटा में क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ का एक नीला कलर का बटन दिख रहा होगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप बीटा एंड्रॉयड आ गया है। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं, और यहाँ पे हम व्हाट्सअप अवेलेबल फॉर एप्पल विंडोज़। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, थोड़ी देर आपको रुकना होगा। और यहाँ पे नीचे में आ गया, डू यू वांट टू व्हाट्सएप बीटा 2.19, यहाँ सब कुछ जो भी ये आ गया है वो आपको डाउनलोड करना है या फिर नहीं, यानी कि ये परमिशन मांगता है। यहाँ पे सिंपल से आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो मैंने पहले से ही ये डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपको गाइस सिंपल से इंस्टॉल कर देना है, और वो इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हो वो सब कुछ डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। तो मैंने ये ओपन कर लिया मेरा व्हाट्सअप, और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट में जाऊँगा, और अकाउंट में जाने के बाद प्रीवीसी में सबसे नीचे आपको फिंगरप्रिंट लॉक, ये आपको नया फीचर दिख रहा होगा। जो भी व्हाट्सअप अपना ग्लोबल है, जो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो ऑफिशियल व्हाट्सअप है, वहाँ पे ये फीचर नहीं है। तो गाइज, ये बिल्कुल भी सिक्योर ऐप है, इस पर आप कोई भी शक नहीं कर सकते, यानी कि व्हाट्सअप का ही बीटा वर्जन है। मैंने एक पिछले भी वीडियो बनाया था कि वहाँ पे बताया कि व्हाट्सअप जो GB है वो कितना खतरनाक होता है यूज़ करने के लिए, वो डाटा चोरी करता है, वो डाटा का स्कैम कर रहा है। तो ये कुछ भी वैसा काम नहीं करता, तो मैं अपनी खुद की गारंटी देता हूँ। तो आप गाइस इसे बिल्कुल भी सिक्योर मान सकते हो, इस पर कोई भी शक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट लॉक बोल के, तो ये मैंने सेट कर दिया है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा आपके लिए बता रहा हूँ मैं। तो अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट ये नया फीचर आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ, और इस तरीके कुछ इंटरफेस आ जाएगा कन्फर्म फिंगरप्रिंट। तो मैं यहाँ पे सेंसर पे अपने क्लिक कर देता हूँ, तो ये हो गया, सेट हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमिडिएटली आफ्टर 1 टाइम, आफ्टर 30 टाइम, 30 मिनट्स, आफ्टर 1 मिनट, ये सब कुछ दिख रहा होगा। ये क्या है मैं बता देता हूँ, अगर अभी क्या करेंगे आप, आफ्टर 1 मिनट पे कर देंगे तो मैंने व्हाट्सअप यूज किया समझो और कट कर दिया, तो 1 मिनट होने के बाद ही ये फिंगरप्रिंट लॉक हो जाएगा।
अगर मैंने आफ्टर 30 मिनट कर दिया तो ये आधे घंटे के बाद ही लॉक हो जाएगा, यानी कि आधे घंटे तक आपका कोई भी फ़ोन पड़ सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, इमिडिएटली पे क्लिक कर देना है और नीचे जो शो कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लेना है, वो पहले से ही आ जाएगा, अगर नहीं आता तो ऑन कर देना है। ये कुछ इस तरीके की सेटिंग है, तो मैं यहाँ पे इसे बैकग्राउंड से हटा देता हूँ, तो अभी मैं इसे चालू कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप 1 सेकंड में अभी ये व्हाट्सएप का ये लॉक आ गया, फिर से किया, फिर से लॉक आ गया, मैंने अनलॉक कर दिया, ये हटा दिया, फिर से आ गया, यानी कि इमिडिएटली का यही फ़ायदा है। आप कब भी करेंगे तो ये फिंगरप्रिंट का लॉक आ ही जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि व्हाट्सएप का बीटा वर्जन डाउनलोड कैसे कर सकते हो और उसे यूज़ कैसे कर सकते हो। ये वीडियो दोस्तों से बहुत एक बार ज़रूर शेयर कीजिए गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ अपने चैनल के लिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।